26/11/2008 को मैं मेरे फैमिली के साथ मेरे पापा, मेरे भाई और मैं हम तीनों पुणे जा रहे थे बड़े भाई को मिलने के। बैंडा से हम सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया गोली फायरिंग और बम स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। कसब बुटका सरी का था, उसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी। कई लोगों को उसने गोली मारा था, किसी के हाथ में गोली लगी, किसी के पैर में, किसी के सर पर। वहाँ लाशों गिर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वहाँ हो क्या रहा है। मुझे एक शख्स की आंखें गोली लगती जिसके हाथ में बड़ी बंदूक है, बुटका सरीका है, और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे संजोज हॉस्पिटल लेके गए। संजोज में मैंने देखा कितने पेशेंट थे। कई लोगों का डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश नहीं कर रहे थे। मैं वो देख के डर गई, घबरा गई। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल लेके गए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरे पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाला गया। 26 तारीख को मुझे गोली लगी थी, 26 नवंबर को 27 नवंबर से मेरे पैर से गोली बाहर निकाला गया। जब मैं कोर्ट गई थी 10 जून को, मेरे से पहले मेरी पापा की गवाही हुई थी। पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, मैंने कसाब को देखी थी। जब मैं कोर्ट गई मैं बैसाखी से चलती थी। मन तो ऐसा हुआ था कि इसे बैसाखी फेंक के मारूं, या मुझे कोई बंदूक दे दो तो मैं इसे भी गोली मार दूं, या मैं इसे फांसी पे चढ़ा दूं। मुझे खुनस आया था कसाब को देख के। उसे देख के कभी मेरे मन में कोई दया नहीं आई और ना ही कभी आएगी। मेरे मन में खुनस है और वो आज तक और वो हमेशा रहेगा। तभी से मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं एक पढ़ लिखी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कसाब देश से बड़े बड़े आतंकवादी को मुझे खत्म करना है। पापा का नंबर मांगा गया था, फिर हमसे कांटेक्ट किए, बोले कि आप कोर्ट में आके गवाही देने के लिए तैयार है। तो हमने बोला हम 10 जून को आके कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है। मेरे पापा ने और मैंने कसाब को जाके आइडेंटिफाई किया था। कसाब कटघरा में था। मेरे सामने 3 आतंकवादी रखे थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। कसाब जस सबके साइड में फर्स्ट में आतंकवादी कसाब बैठा हुआ था। मैंने बोला था यही आतंकवादी जिसने मुझे गोली मारी और मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मारा, उसकी गोली आके मुझे लगी थी। कसाब ने मेरे तरफ देखा नहीं था, उसकी मुंडी नीचे झुकी हुई थी। मुझे बस खुनस था तभी कि मैं इसे मारूं कैसे, मैं बैसाखी फेंकूं या क्या फेंकूं जो इसे मैं ख़त्म कर सकूं। तभी जब मुझे जिस दिन गोली लगी थी 26 नवंबर को, तब मेरी एज 9 साल 11 महीने की थी। कोर्ट गई मैं 10 साल की हो चुकी थी। उसके बाद दिक्कतें बहुत आई। मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए प्रॉब्लम आया। मैम बोले कि आप आओगे तो यहाँ गोली फायरिंग होगी, बॉम्ब स्पॉट होगा, तो मैम ने एडमिशन देने मना कर दिया था। फिर एबीपी अखिल विद्यार्थी स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लड़े। उनके कहने पर मुझे, उनके लड़ने के वजह से मेरी पढ़ाई चालू हुई और मैंने 7th स्टैंडर्ड से वो स्कूल से पढ़ाई की। अभी मैं 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी ईयर्स पढ़ाई की भी बहुत लॉस हो चुकी है। उसके बाद मेरे पापा का बिजनेस का तकलीफ हुआ। 26/11 के बाद ही पापा मार्केट जाते थे तो लोग बोले कि आप यहाँ मत आइए, कसाब आ जाएगा, कसाब के साथीदार होंगे, वो आ जाएंगे, आपके वजह से अब हमें क्यों मार रहे हैं। तो लोगों का, बहुत लोगों का बिहेवियर अलग हो गया। मुझे 26/11 के बाद सम्मान भी बहुत मिला। आज मेरे अवार्ड शो बहुत हुए, मुझे कई लोगों ने सपोर्ट किया, बट कई लोगों ने नहीं किया। बहुत लोगों ने, नेता है या कई लोगों ने आके सिर्फ मुझे बड़ी बड़ी वादे किए, सिर्फ एक बोल वचन कर दिया। न्यूज़ चैनल है या कहीं मिल गए तो बोल दिया देवी का बेटा हम आपके लिए करेंगे करेंगे। दूसरे दिन हम उन्हें कांटेक्ट करते तो बोलते सॉरी आप कौन हो, हम आपको जानते नहीं। मैंने इतनी चीज़ें इन 13 सालों में देख लिया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं अपने देश के लिए खड़ी हुई और वो हमेशा मैं रहूँगी। कसाब के उसके कोई भी आतंकवादी आए, हमारे देश पर उंगली उठाने की भी कोशिश की, तो उसे मैं ख़त्म करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। 26/11 के बाद तो जब मुझे गोली लगी थी तब मैं विटनेस बन के आई थी, तो पहले मेरे कोई फ्रेंड नहीं बने थे। तब डरते थे बच्चे हमसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स मना करते थे कि आप इनके पास जाओगे कोई आतंकवादी आएगा मारने के लिए। हमने इस वजह से कई रूम भी चेंज किए थे, रूम का प्रॉब्लम आने लगा था। भाई खुद एक हैंडीकैप हो गए, 26/11 में उसको इन्फेक्शन हो गया। मतलब हमारी तीनों की जो लाइफ थी वो बहुत चेंज हो गई। फैमिली मेम्बर गाँव के वो लोगों ने अलग बिहेवियर करने लग गए, वो लोग हमें बुलाते नहीं थे। रिसेंटली कुछ सालों से वो हमें बुलाते, इन्वाइट करते, इसके पहले उनका बिहेवियर अलग था। बड़े भाई जो पुणे में रहते वो खुद एक कुछ टाइम के लिए हमसे दूर हो चुके थे। इस चीज़ों में बहुत सारी हमने ऐसे ऐसे फेस किया जो कभी सोचा नहीं था। टेररिज्म के वहाँ से हमें धमकी भी आई, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी इस टाइम पे। और उसके बाद अब फ्रेंड्स बने हुए, बट पहले की बात बहुत अलग थी। अब तो लोग बातें करते हैं पर कोई कोई लोग अब भी डरते हैं। 26/11 के बाद धमकियाँ तो आई थी, धमकियाँ कई आई थी, हमने कंप्लेंट भी दिया था, बट उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फ्रेंड सर्कल का, जब मैं बच्ची थी तब छोटी थी, मुझे ये सब का चीज़ें का नहीं पड़ी थी। मेरे माइंड में तब एक ही चीज़ें चलती थी कि मैं एक ऑफिसर बनूं और टेररिज्म ख़त्म करूं। आज दोस्ती तो है सभी से, बस मेरी नाराज़गी इस बात से, मैं सरकार के आगे 13 सालों में कई बार बोल चुकी, इतने न्यूज़ चैनल कई जगह पर मैं गई हूँ, कई पॉलिटिशियन से मिली हूँ, हीरो हीरोइन सभी लोगों से मिली हूँ, पर किसी ने कुछ किया नहीं है। सिर्फ एक बातों को अनसुना करके रख दिया। तो मुझे इस चीज़ों से नाराज़गी है कि अगर मैं कुछ बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे बढ़ने क्यों नहीं मिल रहा, हर बार मुझे नीचे गिरा क्यों दिया जाता है।
पीएम सर से मैं मिलना चाहती हूँ, कुछ बातें मैं उनसे मिलके ही कहना चाहती हूँ जो मैं न्यूज चैनल या कहीं पर किसी को नहीं बोलना चाहती हूँ, वो मैं डायरेक्टली उनसे मिलके कहूंगी। और मेरी बातें ये भी है कि मेरी एक रहने की घर की व्यवस्था किया जाना चाहिए और मेरी पढ़ाई लिखाई में मुझे सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि आज मेरे पापा का बिजनेस बंद है, मेरे भाई को देख हैंडीकैप है और मेरी पढ़ाई चालू है। कब कभी तो मेरा ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ एक काम करने लग जाऊँ, पर मैं ये सोचती कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, पर मुझे जहाँ से इतनी जगहों से सपोर्ट नहीं मिलती तो आज घर कैसे चलाएंगे हम। मेरे पापा खुद एक एजेंट हो चुके हैं, उन्हें तो हम काम पे नहीं भेज सकते, ये तो नहीं बोल सकते कि आप जाके कमाइए हम घर बैठ के खाएंगे, तो हमारे संस्कार तो ये तो हमें नहीं सिखाए। सरकार से मेरी नाराजगी यही है कि मुझे रहने का घर बोला गया था, वो मुझे मिला नहीं गया। जब कलेक्टर ऑफिस से दो लोग हमारे घर आए थे, उन्होंने हमसे सिग्नेचर वगैरह लेके गए थे, उन्होंने बोला आपके घर के आपके नाम पे घर अलर्ट हो चुका है, बट वो घर अभी तक हमें मिला नहीं गया। ये बातों पे मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए बोले थे हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर किया नहीं है, सिर्फ बोल बचन हुई है। हर नेताओं ने, कितने लोगों ने, ये लॉकडाउन में सिर्फ पहले कोई हो गया इंसान जो हमारे घर पर आए पॉलिटिशियन से, जो जिशान भाई आए थे उन्होंने मेरी लॉकडाउन में हेल्प की थी। इस लॉकडाउन में भी बहुत लोगों ने सिर्फ हमें बोला था करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। अब मेरा घर भी पास हुआ है कोर्ट में, हमने केस किया था, हाई कोर्ट से एक्सेप्ट हुआ है, बट उस कोर्ट पे भी अभी कुछ रिप्लाई आया नहीं है। वो उस बात को भी एक साल ऊपर हो चुका है, वो बात भी कहाँ दब चुकी है, क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक ही ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ, आईपीएस ऑफिसर का मेरा ड्रीम है और वो मैं करके करना ही चाहती हूँ, बस मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए। देवी का वही है जो अपने देश के लिए खड़ी होती है और वो हमेशा खड़ी होगी, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने देश के लिए हूँ और वो हमेशा रहूँगी। जिस प्रकार से 26/11 का हमला हुआ था, उसमें जिस प्रकार से डटकर देविका ने कोर्ट के सामने अजमल कसाब को पहचानने के बाद उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसी प्रकार से देश के लिए कुछ करने के लिए आगे आने वाले दिनों में उसे आईपीएस ऑफिसर बनना है।